नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एन मिश्रा क्लासेस में। एन मिश्रा क्लासेस में आज हम लोग देखेंगे कि आज से गणित शिक्षण, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको गणित शिक्षण की बहुत ज़्यादा तो वीडियो नहीं, सिर्फ दो वीडियो आपको पड़ी मिलेगी। एक आपका आगमन विधि और दूसरा आपका निगमन विधि, कि गणित शिक्षण में आगमन विधि क्या होती है और गणित शिक्षण में निगमन विधि क्या होती है, ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाने पे मिल जाएगी। अब हम लोग उसी विधियों को, गणित की जो विधियाँ होती हैं उनको आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विश्लेषण विधि, एनालिटिक मेथड क्या होता है। तो इस विश्लेषण विधि को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और इससे पहले, आप लोग अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। काफ़ी मांग थी कि सर गणित शिक्षण लाया जाए, तो गणित शिक्षण जो आपका मैथ टीचिंग जो आपका है, इसको हम लोग आज से फिर से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक चल पाते हैं। हालांकि पूरा सिलेबस ख़त्म कराने का हम प्रयास करेंगे। पूरा सिलेबस अगर ख़त्म नहीं भी होता है तो कम से कम इतना तो इम्पॉर्टेंट मैं आपको टॉपिक जरूर बता दूंगा कि उससे आप पेपर में अच्छे मार्क्स, लगभग 80% से ज़्यादा मार्क्स आप ला सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो आपका विश्लेषण विधि है, वो एनालिटिक जो मेथड है, ये क्या होता है। तो सबसे पहले आप जानिए क्या होता है विश्लेषण विधि। विश्लेषण का मतलब होता है, जैसे आप संधि विच्छेद किसी चीज़ की करते हैं, क्या करते हैं, संधि विच्छेद। किसी एक, मान लीजिए कोई शब्द होता है तो उसको जब बच्चे को नहीं समझ में आता है तो आप उस किसी भी शब्द को आप दो भागों में या दो से अधिक भागों में, आप उसको छोटे छोटे दो तीन भागों में आप उसको तोड़ करके जो आप बताते हैं, उस शब्द का आप निर्माण कराते हैं, वो हमारा क्या होता है, उसी को विश्लेषण विधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए कि हिंदी में जो आपका संधि विच्छेद है रमेश, तो रमेश में आपको रमधस इस रमेश आप जब बनाते हैं, तो इसी तरह से, मतलब जब संधि विच्छेद का मतलब होता है कि छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ना, यही आपका विश्लेषण विधि के साथ है, एनालिटिक मेथड के साथ है। देखिए, समझने का प्रयास करिए, आपको हम नोट्स के माध्यम से दिए हैं कि विश्लेषण विधि क्या होता है, और मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ कि विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, या तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, या तो आगमन विधि और निगमन विधि, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आगमन और निगमन विधि में से कोई न कोई एक विधि जरूर आपके पेपर पूछेगा। अगर ये नहीं पूछता है चारों में से, तो जरूर आपसे ऐसे पूछ लेगा कि आगमन विधि, निगमन विधि में अंतर क्या होते हैं, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि में अंतर क्या होते हैं। इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इन चार वीडियो को आप सिर्फ देखेंगे तो आपको उसमें से एक कोई न कोई पेपर में आपके जरूर आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विश्लेषण विधि में किसी भी समस्या के अंत तक पहुंचने के लिए तथा समस्या के हल सुविधापूर्वक खोजने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाए या विभक्त किया जाता है। पहले इतने लाइन को आप समझिए, क्या कह रहे हैं कि विश्लेषण विधि जो हमारा है, एनालिटिक जो मेथड मेरा है, उसमें जो भी समस्या आती है उस समस्या के अंत तक आपको पहुंचना है। उस समस्या क्या है, उस समस्या को आप खोज करते हुए आप उस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। उस समस्या के हल करने के लिए आप करेंगे क्या, उसके अंत तक पहुँचने के लिए तथा समस्या का जो हल उसका होगा, उसका सुविधापूर्वक उसको खोजने के लिए, कि उसको हम आसानी से क्या कर सकें, उसको हम खोज सकें। जब आसानी से उसको जब हम खोज लेते हैं तो उसको खोजने के लिए उसे हम क्या करेंगे, उसे हम छोटे छोटे भागों में क्या करेंगे, विभक्त करेंगे। मतलब उसका जितना भी हम छोटा पार्ट कर सकते हैं उतना छोटा पार्ट हम उसका करने का प्रयास करेंगे, उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त करके बच्चे को समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई टॉपिक आपका है विश्लेषण विधि है, आपको मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, तो हम करेंगे क्या कि आपको इनके छोटे छोटे भागों को हम तोड़ तोड़ करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यही आपका विश्लेषण विधि हो जाएगा, यही मेरा एनालिटिकल मेथड हो जाएगा। यह जैसे कि आप आगमन विधि पढ़े थे, तो आगमन विधि में क्या होता था, उदाहरण के माध्यम से बच्चे को उदाहरण छोटे छोटे क्या हम करते थे, वहाँ पे छोटे छोटे उदाहरण को जोड़ते हुए आप नियम तक पहुँचते थे। वही चीज़ यहाँ पे विश्लेषण विधि है कि छोटे छोटे उदाहरण या फिर छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ते हुए हम एक जो आपका मेन जो आपका टॉपिक है या आपको जो चीज़ें आपको ज्ञात करना है वहाँ तक हम पहुँचेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, विश्लेषण विधि कहते हैं। आप समझ गए होंगे, लगभग आगमन विधि की तरह ही विश्लेषण विधि होती है, सेम चीज़ें अगर हम उसको कह सकते हैं एक बार। तो ये छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है या किया जाए, और इस तरह अज्ञात या रहस्य, आपको जो चीज़ें ज्ञात ना हो, अज्ञात बातें हो, या किसी भी नियम का आपको खोज करना है तो उसमें आपको उस नियम के ज्ञात ना हो, आपको पहले से आप उसमें क्या करेंगे, अज्ञात चीज़ों के माध्यम से, अज्ञात रहस्य
खोजते खोजते ज्ञात तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको कोई नियम, कोई सूत्र, कोई सिद्धांत आपको नहीं पता है, आप करेंगे क्या कि धीरे धीरे किसी अलग मेथड से द्वारा, मतलब अलग मेथड तो नहीं, अलग उदाहरण के द्वारा या किसी अलग तथ्य के द्वारा आप उसमें खोजते हुए किसी एक नियम या किसी एक उदाहरण की जब आप खोज कर देते हैं, उदाहरण नहीं किसी सिद्धांत की जब आप खोज जब कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि किसी अज्ञात रहस्य को खोजते खोजते ज्ञात तक पहुँचने का प्रयास किया जाता है, मतलब सत्य तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है, नियम तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है, सिद्धांत तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विश्लेषण विधि में किसी तथ्य या समस्या को टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। कोई तथ्य है, कोई मतलब आपका सिद्धांत है, उसको टुकड़ों में विभाजित करके उसको हम भिन्न भिन्न अलग अलग छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, विभाजित कर दिया जाता है, या ये टुकड़ा या ये खंड जो होता है इस प्रकार किए जाते हैं कि उनको मिलाने पर वही विषय या वही समस्या स्वरूप, मतलब अपने स्वरूप में लौट आती है, कि जब भी हम चाहें उसको टुकड़ों में विभाजित करके मैं आपको समझा दूं, और उन्हीं टुकड़ों को जब भी हम मिलाने पर वही जो आपकी समस्या हो वो समस्या तक हम पहुंच सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एनालिटिक मेथड कहते हैं, उसे हम विश्लेषण विधि कहते हैं। हमें समझ रहे हैं कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। अगला देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस प्रकार रेखागणित, बीजगणित, हम विश्लेषण विधि जो मेरा है, इस विश्लेषण विधि में हम रेखागणित, बीजगणित और अंकगणित की जो भी समस्या होती है उस समस्या का हल खोजने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको बीजगणित में कोई समस्या आ गई है, कोई सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको समस्या आ गई, तो आप करेंगे क्या कि उसको आप पहले छोटे छोटे भागों में उसको आप तोड़ने का प्रयास करेंगे, और तोड़ करके फिर उसको जब आप सॉल्व करेंगे या उस एकदम एग्जैक्ट उसका जो आंसर होगा वहाँ तक आप पहुँचने का प्रयास करेंगे या उसके नियम सिद्धांत को आप समझने का प्रयास करेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, विश्लेषण विधि कहलाएगा, विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। यह जो होता है विश्लेषण विधि, इसके शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, यह किस शिक्षण सूत्र पर कार्य करता है विश्लेषण विधि, तो आपको देखिए शिक्षण सूत्र पहला क्या है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। आपको पता नहीं है कि हमें क्या ज्ञात करना है या इसमें क्या निकल के आएगा, आपको नहीं पता है, आप अज्ञात चीज़ों को आप अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से, अलग अलग छोटे छोटे खंडों के माध्यम से विभाजित करते हुए आप उस ज्ञात चीज़ों के तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, जिसको कि आपको वो चीज़ें ज्ञात हो जाए। अगला प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, कोई चीज़ें प्रमाण होगा उस प्रमाण से खोजते हुए आप एकदम प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से आप उस जगह तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, उस नियम को खोजने का प्रयास करेंगे, वो हमारा क्या हुआ, विश्लेषण विधि होगा। निष्कर्षों से ज्ञात तथ्य की ओर, आपको ज्ञात तत्व तो नहीं पता है, आपको सत्य सत्य चीज़ें क्या है वो नहीं पता है, आपको सिर्फ निष्कर्ष आप निकालते हुए जा रहे हैं और उस निष्कर्ष आप खोजते हुए जा रहे हैं, उससे आप प्रमाण प्रत्यक्ष की तरफ जब चले जाते हैं आपको जो ज्ञात जो तथ्य होता है एकदम स्पष्ट रूप से आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं, नियम तक पहुँच जाते हैं, सिद्धांत तक पहुँच जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, विश्लेषण विधि कहते हैं, एनालिटिक मेथड कहते हैं। एनालिटिक मेथड जो मेरा है विश्लेषण विधि है, ये संश्लेषण विधि के उल्टा होता है, और संश्लेषण विधि जो होता है वो विश्लेषण विधि का उल्टा होता है, एक दूसरे के दोनों अपोजिट होते हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम समझ रहे हैं कि विश्लेषण विधि आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग एक उदाहरण एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा विश्लेषण विधि है, एनालिटिक जो मेथड है, वो क्या कहना चाह रहा है, या एनालिटिक मेथड को हम कैसे जान पाते हैं उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल आपको बताया भी था एग्जाम्पल में, क्या नाम है, विश्लेषण विधि में, कि हम अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित के जो भी आपके सवाल होते हैं उसको हम उदाहरण उनके भिन्न भिन्न भागों को हम तोड़ करके हम जो सॉल्व करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, विश्लेषण विधि कहते हैं। तो आइए एक सवाल हमारे सामने दिया हुआ है, इसको हम कैसे तोड़ तोड़ के सॉल्व करते हैं, तो हमारा विश्लेषण विधि कहलाता है। तो क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है कि एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के चारों ओर तार लगाने का खर्च क्या होगा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आप जितने लोग होंगे हम जान रहे हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, क्वेश्चन को देखेंगे तुरंत उसको सॉल्व करेंगे। हमें सॉल्व तो करना बहुत आसान है, लेकिन उसको हमें विश्लेषण विधि के माध्यम से उसको हमें तोड़ तोड़ करके उसमें क्या पूछ रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मुझे दर्शाना है, ये हमारा विश्लेषण विधि होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि,
तो वृत्त की परिधि कह रहा है और उसमें कितने सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर है और उसके चारों ओर तार लगाने का खर्च कि चारों तरफ एक वृत्त के चारों तरफ अगर हमें तार लगाना है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा वृत्त है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है ये कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है और आगे ये 7 सेंटीमीटर दिया है और वृत्त की परिधि के चारों ओर, परिधि का मतलब क्या होता है, यहां से अगर आप शुरू करते हैं तो एक चक्कर अगर आप लगा देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि कहलाता है और परिधि हमारा होता क्या है, 2πr होता है और 2πr में हमको त्रिज्या दिया हुआ है, अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारी परिधि आ जाएगी और जो ये वृत्त की जो परिधि आ जाएगी और इसमें कह रहा है कि यदि तार 1 रुपया प्रति मीटर हो, अगर तार हमारा 1 रुपया प्रति मीटर मतलब 1 मीटर अगर आप तार लगाते हैं तो उसका 1 रुपया खर्च आता है, तो इसका जितना आपका आंसर आएगा उसमें आप 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने रुपया आपका खर्च आ जाएगा। इसको देखिए, इसको लगाने हमारा उद्देश्य, इसको लगाना सवाल को नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि इसको हम तोड़ तोड़ के कैसे हम इसको जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, क्या उठेगा कि प्रश्न में क्या दिया है, आप क्वेश्चन लिखेंगे, आप विश्लेषण विधि जब लिखेंगे तो उसमें आप लिखेंगे पूरी बातें जैसे हम नोट्स में दिए थे उस तरह लिखेंगे। आपके पेपर अगर पूछ दिया कि विश्लेषण विधि तथा संश्लेषण विधि को आप अपने विस्तार में समझाइए विस्तृत रूप से तथा उसको एग्जाम्पल अपने उदाहरण देते हुए आप उसको समझाने का प्रयास करिए, तो आप पहले जो हम लिखे थे विश्लेषण विधि क्या था, आपको जो नोट्स हम दिए थे उसको लिखिएगा, उसके बाद आप एक सवाल लिखिएगा और सवाल आपका कुछ भी ले सकते हैं, इसमें आप रेखा गणित के सवाल ले लीजिए, बीज गणित के सवाल ले लीजिए, अंक गणित के सवाल लीजिए, जो कुछ भी आपको आसान लगे वो आप एक एग्जाम्पल उठाइए और उसको कैसे तोड़ करके आपको लिखना है वैसे आप लिख के दिखाइए। सबसे पहला क्या है कि प्रश्न में क्या दिया है, तो पहले आप देखिए कि प्रश्न में क्या दिया है, आप ढूंढिए क्या दिया है, तो प्रश्न में हमें प्रश्न की त्रिज्या मतलब इस सवाल में हमें वृत्त की त्रिज्या दिया है, तो आप यहां पे फिर लिखेंगे उत्तर के तौर पे कि वृत्त की त्रिज्या तथा तार लगाने का खर्च दिया हुआ है कि 1 रुपया प्रति मीटर तार हमारा खर्च है, हम लगाएंगे अगर 1 मीटर तार तो हमारा 1 रुपया खर्च आएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि प्रश्न में क्या दिया है, तो प्रश्न में हमें वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है और तथा उसके साथ साथ क्या दिया है, तार का खर्च लगाने में, देखिए तार का जो खर्च है यहाँ पे दिया हुआ है और वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन फिर यहीं से उठेगा कि प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, आपको त्रिज्या और 1 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से आपको खर्च दे दिया, तो अब प्रश्न में क्या ज्ञात हमें करना है, तो तार लगाने का संपूर्ण खर्च ज्ञात करना है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि चारों ओर तार लगाने का खर्च क्या होगा, ये आपका क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन मार्क है, तो यही आपसे क्या ज्ञात करना है, तो आपको तार लगाने में जो आपका संपूर्ण जो आपका खर्च आएगा उसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन फिर क्या आप उठा के बताएंगे, वहां पे फिर क्या पूछेगा कि तार लगाने के लिए संपूर्ण खर्च जो भी आपका खर्च आ रहा है संपूर्ण खर्च कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो फिर आप बताने का प्रयास करेंगे कि सवाल को सॉल्व करने के लिए कि यदि संपूर्ण तार की लंबाई हमें अगर पता चल जाए, संपूर्ण तार का मतलब कि हमें वृत्त में एक तार को हमें बिछाना है और इस वृत्त की अगर लंबाई हमें पता चल जाए और ये वृत्त की लंबाई हमें उस पर निर्भर करेगा जो हमारा 2πr है वृत्त की परिधि पे, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यदि संपूर्ण तार की लंबाई तथा तार की दर ज्ञात हो जाए, हमें तार की लंबाई ज्ञात हो जाए 2πr और ये 2πr का आंसर कितना आया है वो मुझे पता चल जाए तो हम उसमें अपने खर्च से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें तार का क्या हो जाएगा, खर्च में पता चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा कि तार की लंबाई क्या होगी, तब तार की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो तार की लंबाई निकालने के लिए हमें एक वृत्त है तो इस वृत्त की परिधि ज्ञात करना होगा और वो हमारा वृत्त की परिधि होता है 2πr और यहाँ पे देखिए फिर लिखा गया है कि तार की लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर होती है, एक अगर वृत्त में अगर आपको तार लगाना है तो वह तार की लंबाई जो होगी तो वो वृत्त के परिधि पर निर्भर करेगी, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कि तार की जो लंबाई होगी ये वृत्त की परिधि के बराबर होगी, जो मेरा यहाँ पे 2πr आया है ये 2πr हमारे लंबाई L के बराबर हो जाएगा, तार की लंबाई के बराबर हो जाएगा। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन, इसमें लगभग 4 या 5 क्वेश्चन मतलब जितना आप क्वेश्चन उसमें बना सकते हैं, जितना आप उदाहरण दे सकते हैं, जितना आप इसमें एक क्वेश्चन से आप जितना क्वेश्चन उठा सकते हैं 3-4 क्वेश्चन आप उठा करके लास्ट में आप उसका सॉल्यूशन दे दीजिएगा। तो वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करोगे, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है, सूत्र होता है, उसको आप लिखिए 2πr, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे कि वृत्त की परिधि का पहले हम सूत्र द्वारा वृत्त की परिधि को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वृत्त की परिधि के सूत्र द्वारा। तो अब हम वृत्त की परिधि का सूत्र होता क्या है पहले ये तो जाने, तो वृत्त की परिधि का सूत्र यहां पे लिखिए
वृत्त की परिधि का सूत्र बराबर 2πr होता है, हम जो कि पहले ही लिख दिए थे। तो हम पहले बताए कि आप सवाल तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा सॉल्व करना हमारे सवाल ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि अगर कक्षा 6 का लड़का है, 5 का लड़का है, छोटे बच्चे हैं, तो उनको मुझे इस मेथड से कैसे हमें आसानी से उसको मुझे समझाना है। तो विश्लेषण विधि वही कहता है कि हम छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ दें और तोड़ करके हम अपने लास्ट निष्कर्ष तक निकले, इस सवाल के सॉल्यूशन तक हम पहुंचे, वो मेरा निष्कर्ष है, वो मेरा विश्लेषण विधि है, वो मेरा एनालिटिक मेथड है। हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं अच्छे से। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा, 2πr, और 2πr में हमें दिया क्या क्या गया है, वृत्त की त्रिज्या दिया गया है और लगाने का खर्च दिया गया है। तो वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ आप पुट करिए 2 मल्टीप्लाई, और पाई की वैल्यू होता है 22/7, तो 22/7 रख दीजिए और मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है। तो 7 से 7 जब आप काट देंगे तो 22 दुना के होता है 44, और ये जो 44 जो आपका आया, ये 44 हमारा क्या आया, वृत्त की परिधि आई, और वृत्त की परिधि हमारे जो तार की लंबाई है उसके बराबर है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर तार की लंबाई, तार की लंबाई यहां पे लिख लीजिए, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर तार की लंबाई, तो हमारा वृत्त का परिधि से सूत्र हम निकाल दिए हैं, वृत्त की परिधि हमारा कितना आ गया है, 44 आ गया है, और तार की लंबाई हमारा जो यल है इसी के ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 44 ये मीटर आया है, थोड़ा सा इसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा 44 ये मीटर आया है। अब यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है कि यदि तार 1 रुपया प्रति मीटर हो, हमारा तार का खर्च कितना हो, 1 रुपया प्रति मीटर हो, तो यहाँ पे अब हमें खर्च पता करना है कि लगाने में खर्च क्या होगा। तो 1 रुपया प्रति मीटर, तो हमें अगर 44 मीटर अगर तार लगाना है तो हम कितना खर्च आएगा, तो 1 मीटर का दाम, 1 मीटर खर्च का दाम कितना है, 1 रुपया है। तो 44 मीटर अगर हमको तार लगवाना है तो कितना रुपया खर्च आ जाएगा, तो 44 मल्टीप्लाई 1, और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 रुपये, ये मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारे मेन उद्देश्य मेरा क्या था कि एक सवाल, एक एग्जाम्पल अंकगणित बीजगणित रेखा गणित का दे करके, और उसको किस तरह से क्वेश्चन के माध्यम से उसको हमें तोड़ तोड़ के निकालना होगा, ये हमारा तब जाके आंसर आएगा, ये हमारा कहलाएगा एनालिटिकल मेथड या विश्लेषण विधि। इसका एग्जाम्पल इसके बाद, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जो विश्लेषण विधि है, इस विश्लेषण विधि का गुण क्या होता है, इस विश्लेषण विधि की आपके दोष क्या होते हैं। आइए हम लोग जो विश्लेषण विधि है, इस विश्लेषण विधि के हम लोग गुण को जानते हैं और इनके दोष क्या क्या होते हैं इसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला ही गुण देखिए क्या होता है, क्योंकि किसी भी विधि के या किसी भी अगर वही किसी व्यक्ति की भी बात अगर हम करें तो किसी व्यक्ति में बहुत अच्छे गुण होते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ दोष भी पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग इसी तरह से जो हमारा एनालिटिक जो मेथड है, इस विश्लेषण विधि में हमारे गुण क्या होते हैं और इनके दोष क्या हैं इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले गुण देखिए क्या है कि यह सीखने की एक तार्किक एवं वैज्ञानिक विधि है। क्यों तार्किक और क्यों वैज्ञानिक विधि कही जाएगी इसको हमें, क्योंकि हम आपको बताएं कि किसी भी आपको चैप्टर है, किसी भी आपका कोई सिलेबस है या कोई भी आपका अगर टॉपिक है तो उस टॉपिक को उसको आपको क्या करना है, तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे पार्टों में तोड़ करके आपको पढ़ना है, उसको समझना है, उसको अध्ययन करना है, उसको चिंतन करना है, उसको तार्किक ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से, यह वैज्ञानिक विधि है इसीलिए इसको माना जाता है, आपको हम बता दिए। दूसरा देखिए क्या है कि इस विधि में छात्र अधिक क्रियाशील रहते हैं जब किसी चीज को, जैसे आपको हम सवाल जब बताए आपको तो सवाल के एक एक पार्ट को कैसे क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में है, क्या उसका आंसर आएगा, तो उसको फार्मूला उसका क्या होगा, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये सब काम बच्चे लगभग स्वयं करते हैं या बच्चों को स्वयं के लिए दे दिया जाता है कि बच्चे इस चीज़ को, या टीचर भी अगर पढ़ाता है तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें निकाल करके उसमें देता है। तो ये बच्चा जब उसमें सक्रिय रहता है, अगर सक्रिय नहीं रहेगा तो वो भूल जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा था या हमसे क्या पूछा जा रहा है, और उन छोटे छोटे भागों में नहीं तोड़ पाएगा और इससे वो गलत हो जाएगा। तो यह अधिक क्रियाशील इसमें छात्र रहता है, बच्चा रहता है, क्योंकि उन छोटे छोटे भागों में तोड़ता है और तोड़ करके सॉल्व करने का प्रयास करता है। तीसरा पार्ट देखिए क्या है, तीसरा इसके गुण क्या है कि इससे छात्रों की कल्पना, चिंतन,
कल्पना शक्ति, चिंतन करने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति आदि मानसिक जो शक्तियां होती हैं उनका विकास होता है। जब बच्चा कोई भी चीज़ जब स्वयं से करेगा, किसी उदाहरण को खोजने का प्रयास करेगा, किसी भी चीज़ों को आप मतलब अपने से आप जब सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ करके जानने का प्रयास करेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, और ज़्यादा हमारे मानसिक शक्ति का विकास होगा, कल्पना शक्ति का विकास होगा, तर्क करने की शक्ति का विकास होगा। तो ये सभी चीज़ें जब हमारे अंदर जब आती हैं तो वो उसका हमें विकास होता है। चौथा पॉइंट देखिए क्या है कि इस विधि में या इस विधि द्वारा छात्र जो भी उसकी खोज की जो विधि होगी, जिस तरह से उस क्वेश्चन के आंसर को खोजने का प्रयास करेगा, उसकी खोजने की विधि, उसमें जो उस प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उसमें जो भी वो प्रशिक्षण जो भी अपने अंदर वो ग्रहण करता है, उस प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तथा जीवन से संबंधित गणित की समस्याओं का हल करने का तरीका सीखते हैं। ऐसे ही जैसे वो गणित का अभी तो मान लीजिए सवाल सॉल्व कर रहा है, और सॉल्व करने के साथ साथ अपने दैनिक जीवन में उसके जो भी अगर समस्याएँ आएगी उसको भी वो छोटे छोटे पार्टों में तोड़ करके अपनी समस्या को वो हल कर लेगा, अपनी समस्या को वो सॉल्व कर लेगा। अगला देखिए पांचवा पॉइंट, इसके गुण क्या है कि इस विधि द्वारा सीखा गया जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। आप ही बताइए कि आप अपने मतलब आप मान लीजिए आज बीएड कर रहे हैं, लेकिन आज से पहले अगर आप कोई भी चीज, कोई भी नियम, कोई भी सिद्धांत या अपने दैनिक जीवन में कोई भी घटना अगर आप खुद से अगर आप सॉल्व किए होंगे, अपने छोटे छोटे पार्टों में उसको तोड़ करके अगर आप उसको, जैसे मान लीजिए आप इंटर को पास किए, हाई स्कूल आप पास किए, तो क्या किए, क्या आप एक ही दिन बैठे और पूरा सिलेबस आप पढ़ डाले, ऐसा तो आप किए नहीं। आप किए क्या, उस पूरे सिलेबस को, अपने पूरी समस्या को, अपने परीक्षा को आप किए क्या, हर रोज थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक करते हुए आप पढ़ते, छोटे छोटे पार्टों में आप गए और लास्ट में आप पूरा का पूरा अपना सिलेबस कवर कर लिए, और लास्ट में जाके अपनी समस्या क्या किए, आप जाके पेपर दे दिए और अच्छे नंबर आप पा लिए। ये क्या हुआ, आप अपने छोटे छोटे मतलब आपका बड़ा जो समस्या था उसके छोटे छोटे समस्या आप बनाए ना, एक टॉपिक एक चैप्टर हम आज पढ़ लेंगे, कल दूसरा चैप्टर पढ़ लेंगे, दूसरा टॉपिक पढ़ लेंगे, छः महीना साल भर के सिलेबस को एक एक दिनों में घंटों में आप उसको परिवर्तित करके, उसको आप बदल करके, तोड़ तोड़ करके आप सॉल्व किए। या ऐसे दैनिक जीवन में कोई समस्या आपके सामने आई होगी उसको भी, तो क्या वो चीज़ आप कभी आज भूल गए हैं, नहीं, वो आपके लिए हमेशा आज भी वो याद होगा। आप अपने इंटर के मैक्सिमम आपके सूत्र, मैक्सिमम फार्मूले, या अपने दैनिक जीवन में कोई ऐसी घटना घटी होगी तो उस दैनिक जीवन की घटना को आज भी आपको याद होगा, अगर आप स्वयं से किए होंगे तब, किसी और पे टाल दिए होंगे, कोई और आपकी समस्या सॉल्व कर दिया होगा तो वो आपको भूल गए होंगे, लेकिन आप स्वयं से उस चीज़ को अगर आप किए होंगे तो आज भी आपको याद होगा। कोई आप फिजिक्स का मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को या केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट था उसको अगर आप स्वयं से जाकर के अगर लैब में उस चीज़ को अगर आप अपने से किए होंगे तो उसको आज भी आप नहीं भूले होंगे। आज भी अगर आपके सामने अगर लैब में आपको भेज दिया जाए या वो उपकरण आपको दे दिया जाए तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे, उसको आज भी आपको पूरी बातें याद हो जाएगी, आप उसको फिर से उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको छोटे भागों में उसी तरह तोड़ करके अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ज्ञान जो होता है वो सीखा गया ज्ञान अस्थाई हो जाता है, वो कभी भूलेगा नहीं, अभी भविष्य में भी वो अभी भूलेगा नहीं। अगला देखिए क्या कह रहा है, इस विधि के कार्य करने के से छात्र में मौलिकता आती है। इस विधि से अगर आप विश्लेषण विधि से अगर छात्र अगर कार्य कर रहा है तो उसके अंदर मौलिकता आ जाती है। इसके अब आइए हम लोग दोष को देखते हैं कि इसके दोष क्या क्या हैं। तो इस विधि में शक्ति और समय दोनों ही अधिक लगता है। भाई जब आप कोई भी कार्य जब अपने से करेंगे मतलब वो आपका कार्य जो होगा समस्या होगी आपका बहुत ज़्यादा उलझन होगी, पहले आपको समस्या ज़्यादा आएगी, आपको शक्ति बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। जैसे कि अभी हम कोई सवाल दे दिए और उस सवाल को कह दिए कि आप अपने से लगाइए, अब उसके लिए आप फार्मूला पहले खोजेंगे, उस सवाल को पढ़ के क्या क्या टॉपिक दिया उसको, तो आपका उसमें समय भी लगेगा और समय के साथ साथ आपको अधिक ज़्यादा आपको हो सकता है कि दो मिनट का सवाल लगाने वाला था लेकिन वो दो मिनट से पाँच मिनट आपको लग जाए सवाल लगाने में। ऐसे मैक्सिमम आते हैं। अभी इसी टॉपिक को हम नहीं समझाए थे, विश्लेषण विधि क्या होता है, एनालिटिक मेथड क्या होता है, आप अपने किताबों से, अपने नोट्स से या कहीं और अदर जगह से आप अगर पढ़े होंगे किसी और जगह से तो आपको वो बातें समझ में नहीं आई होगी, लेकिन हम उसको जब एग्जाम्पल दे करके आपको व्यवहारिक भाषा में ला करके जब आपको समझा दिए तो अब आपको वो चीज़ें जब आप एक बार पढ़ेंगे या इसका जब नोट्स आप बनाएंगे और अपने कापी में लिख के अगर आप एक बार पेपर के समय अगर आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी, आप कहना क्या चाह रहे थे, आप विश्लेषण विधि कहना क्या चाहता है उसको आप समझ जाएंगे। तो इस विधि में शक्ति और समय दोनों ही अधिक लग जाता है, आपका समय भी लगता है और शक्ति भी लगता है, जिससे बच्चे कभी कभी क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उब जाते हैं। जैसे मैक्सिमम जो बच्चों का पढ़ने का मन नहीं होता है वो करते क्या, अरे अब हमको उबन हो रही है, क्या झूठ मूठ का कब से लेक्चर दिए जा रहे हैं, कब से पढ़ाए जा रहे हैं, मैं अब मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, क्या किताब इतना पढ़ना है अब हमसे, मतलब मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है। वो किसके साथ होता है,
पढ़ने वाला अगर लगनशील बच्चा होगा तो वो कभी ऐसा नहीं करेगा, उसको जितना भी पढ़ने के लिए कहिए वो दिन रात बैठ के पढ़ेगा, उसको उबन जल्दी नहीं होता है, उसको पढ़ाई में मज़ा आता है। उसको अगर वो तोड़ करके अपने छोटे छोटे भागों में उसको बांट करके अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है तो वो लगनशील से वो उसको और ज़्यादा पढ़ेगा, उसको और मज़ा आएगा उस सब्जेक्ट में। लेकिन वही बच्चा अगर उस सब्जेक्ट में उसको अच्छा नहीं लगता, जैसे होता क्या है कि कभी कभी किसी को मैथ अच्छा लगता है, किसी को साइंस अच्छा लगता है, किसी को हिंदी अच्छा लगता है, किसी को भूगोल अच्छा लगता है, किसी को इतिहास अच्छा लगता है, जिसका जो सब्जेक्ट होता है उसको वो सब्जेक्ट पसंद होता है और उस सब्जेक्ट को जब वो पढ़ता है तो उसको थकान नहीं महसूस होता है, उसको अच्छा लगता है। लेकिन वही अगर दूसरा सब्जेक्ट अगर पढ़ना हो जाए, जैसे मान लीजिए किसी को इंग्लिश बहुत ज़्यादा पसंद है, मैथ पसंद नहीं है, अब इंग्लिश वाले को बच्चे को अगर आप मैथ देंगे पढ़ने के लिए, मैथ लगवाएंगे, मैथ का सवाल आप कराएंगे तो उसको उबन महसूस होगा, क्या पढ़ा रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन वही मैथ वाले बच्चे को अगर आप इंग्लिश देंगे पढ़ने के लिए तो वो इंग्लिश से उबेगा, इंग्लिश पढ़ने का उसका मन नहीं करेगा, इंग्लिश से वो भागता रहेगा। तो ये आपका एग्जांपल सब थे कि इससे अधिक ज़्यादा बच्चा उब भी जाता है, परेशान भी हो जाता है, समय ज़्यादा लगता है, अब इंग्लिश पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बार बार अब पेपर देना है, मजबूरी है, इंग्लिश वो पढ़ रहा है, सिर्फ पेपर पास करने के लिए पढ़ रहा है, उसको मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन वही उसका जो जो सब्जेक्ट होगा उसको अच्छे से पढ़ रहा है, थोड़ा सा दो चार एक आध दो पन्ने बेसी ज़्यादा भी पढ़ लेगा, लेकिन जिस सब्जेक्ट में उसका मन नहीं कर रहा है उसको करेगा किस प्रकार, हम थोड़ा सा कोई बता दे, कोई नोट्स जान दे, बस उतना ही मात्रा में नोट्स मिले जो कि डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन हमारा पेपर क्या हो जाए, मिल जाए। तो ऐसा होता है मैक्सिमम लोगों के साथ। इस विधि द्वारा सभी विषयों का शिक्षण संभव नहीं है। हम अगर विश्लेषण विधि से छोटे छोटे पार्टों में तोड़ करके अगर हम पढ़ाने का प्रयास करें, या कोई बच्चा अपने आप को पढ़ने का प्रयास करे, या एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट में तो यही होता है, कोई भी आप अगर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, जा करके लैब में छोटे छोटे चीज़ों को, आप उपकरणों को पहले इकट्ठा करते हैं, फिर आप उसका सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्या इससे पूरी आपकी इंटर की अगर फिजिक्स है या बीएससी में अगर आप हैं तो आप क्या पूरा प्रैक्टिकल आप कर लेते हैं, जितना थ्योरी होता है नहीं कर पाते हैं, आपका मैक्सिमम चीज़ें छूट जाती है, आप सिर्फ थ्योरी को याद करके जा करके पेपर दे लेते हैं, आप पूरी चीज़ों का, पूरे एक एक थ्योरी का आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं, कुछ ही कर पाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि इस विधि द्वारा सभी विषयों का शिक्षण हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या संभव नहीं है कि हम सब कुछ एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम सीख सके। जो आपका विश्लेषण विधि है, इस विश्लेषण विधि स्वयं के एक कठिन प्रक्रिया है, जब आप स्वयं से करेंगे तो एक कठिन प्रक्रिया हो जाती है, आसान नहीं होती है, क्योंकि उसको हमें खोजना पड़ेगा, छोटे भागों में तोड़ना पड़ेगा, दूसरे को समझाना पड़ेगा, तो ये कठिन परिश्रम हो जाता है, तो सबसे कठिन प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए छोटे बच्चे को अधिक सफलता नहीं प्राप्त हो पाती है, बड़े बच्चे तो एक बार लगभग अगर उनको आप प्रयोगशाला में ले जाइए, उनको एक्सपेरिमेंट कराइए तो वो तो एक बार कर लेते हैं, या उतने ज़्यादा परेशान नहीं होते क्योंकि उनको ये पता है कि हमको कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है, उसमें रुचि धीरे धीरे वो लादने रखते हैं, बातों को समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन छोटे बच्चे, उनको क्या पता है, अब उनको आप कह दिए एक्सपेरिमेंट करो, उनको कह दिए छोटे भागों में अपने से लगाओ सवाल को, उनको आप सवाल दे दिए, कहिए कि इसको आप छोटे छोटे पार्टों में इसको तोड़ के लगाओ, उस बच्चे को पता ही नहीं ना, उसको ज्ञान ही नहीं है, उसको ज्ञात ही नहीं है कि हमें क्या करना है, तो इस तरह से वो बच्चा उब जाता है, या उसको सफलता बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती, कुछ बच्चों को तो मिल पाती, कुछ लोगों को नहीं मिल पाती। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके गुण क्या हैं, इनके दोष क्या हैं। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग आज विश्लेषण विधि जो था, एनालिटिक जो मेथड था, इसको आप लोग समझ गए हैं। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए अपने दोस्तों में, क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक आ गया है, और वीडियो को लाइक आप लोग जरूर किया करिए, क्योंकि होता क्या है, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो यूट्यूब को ये पता नहीं चल पाता है कि ये वीडियो अच्छा है कि नहीं, हेल्थफुल है कि नहीं, और लाइक करने से जब उसको लगता है यूट्यूब को कि नहीं ये वीडियो बच्चों के लिए हेल्थफुल है, तो वो वीडियो को और ज़्यादा शेयर करता है और लोगों में वो भेजने का प्रयास करता है। तो आप लोग भी शेयर किया करिए, बाकी यूट्यूब का जो काम हो तो अपना वो यूट्यूबर करेगा ही। इससे अब हम लोग इसी के साथ अगला टॉपिक का हम लोग देखेंगे, विश्लेषण विधि आज हम लोग पढ़े थे, इसके बाद हम लोग देखेंगे संश्लेषण विधि क्या होती है, और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इन चार विधियों में से कोई एक विधि, या हो सकता है कि दोनों विधि को साथ में पूछ ले कि संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि में क्या अंतर है, आगमन विधि निगमन विधि में क्या अंतर है, हो सकता है लॉन्ग में पूछ दे, हो सकता है शॉर्ट में पूछ दे, लेकिन ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि कोई न कोई कहीं ना कहीं एक विधि जरूर आपके पूछेगी, एक नहीं हो सकता है दो दो विधि आपसे पूछ ले। तो आप इसको एक बार नोट्स बना करके अच्छे से आप अध्ययन करिए, अपने पेपर को आप अच्छे से दीजिए। इसी के साथ हम विदा लेना चाहते हैं, धन्यवाद।